सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है, ईपीएफओ से मिलने वाले पैसे अब नहीं मिलेंगे। जी हाँ, कोविड 19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड 19 एडवांस मनी फंड निकालने की सुविधा दी थी। अब इस खबर को थोड़ा विस्तार में बताते हैं। तो ईपीएफओ मेंबर्स पैसों की जरूरत होने पर कोविड एडवांस के तौर पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये सुविधा बंद कर दी गई है। हालांकि इस बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रोविजन को डिसेबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अकाउंट होल्डर्स इसके लिए अप्लाई ना कर सकें। ईपीएफओ कोविड एडवांस फंड विड्रॉल के साथ ही ईपीएफओ ने एक और नया नियम पेश किया है। संगठन ने फ्रीज और डी फ्रीज अकाउंट करने के लिए एसओपी जारी किया है। इसके तहत फ्रीज अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 30 दिनों तक की समय सीमा कर दी गई है। हालांकि इस डेडलाइन को 14 दिन और बढ़ाया जाने की भी छूट है। ऐसे में आपको इस अवधि के दौरान फ्रीज या डी फ्रीज करने के लिए अकाउंट को वेरीफाई करना अनिवार्य है। आपका इस खबर पे क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।